हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आ चुके देखो न्यू व्लॉग के साथ वापस। तो आज मैं जा रहा हूँ पापा के साथ खेत पे, उनके साथ काम करवाने। नहीं, खेत पे नहीं आ रहा, एक्चुअली ट्रैक्टर पे जा रहे हैं, क्योंकि हमारा ट्रैक्टर चल रहा है किसी खेत में, मेरे को मालूम नहीं है। तो उनके साथ जा रहा हूँ मैं, एंड पापा भी नीचे होंगे, पहुँचे नीचे। बाइक तो हो रही, पापा को पता नहीं है पापा कहाँ है। हाँ, पहुँचने वाले हैं, देखो इधर है पापा। तो चलो अभी चलते हैं उनके साथ, दिखाता हूँ मैं वहाँ का मॉल, और मजे आएंगे। और मैं बहुत दिनों बाद मजे करने जा रहा हूँ पापा। और मामा कोई बोलना चाहोगे? ये देखिए पापा जा रहे हैं। हमने ना साथ में थोड़ी सी रोटी रख ली, क्योंकि यहाँ पे भी खा ली थी हमने, वहां के लिए रख ली, क्योंकि शाम को फ्री होंगे, बहुत लेट हो जाएंगे, इसलिए पहले से बंदोबस्त के रस्ते में शाम दोपहरी को भूख लग जाए तो क्या करें। तो उस चक्कर में हमने पैक कर ली 4-5 रोटियां, मम्मी ने कर दी, जबरदस्ती कर दी मम्मी ने। चले पापा, चलो। तो चलो अभी निकल दिए हम यहाँ से, तो घर से आसपास का माहौल देख लो यहाँ का। गाइस काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही थी, तो मैंने ये मास्क पहन लिया और ये पहन लिया, एंड ये ट्रैक्टर अपना नहीं है, ये वाला अपना है, और बाकी घर पे बाकी ट्रैक्टर घर पे। तो ये वाला ट्रैक्टर हम इसलिए पीछे कर रहे हैं क्योंकि वो वाला ट्रैक्टर निकल जाएगा, है ना। तो इस ट्रैक्टर को लेके जा रहे हैं, और किसी की खेत में चलाना हुआ, इसने पापा को कॉल किया कि भाई खेत में ट्रैक्टर चलाया। हाँ, तो अब उस ट्रैक्टर को वहाँ खड़ा कर दिया है, अब इसको निकालेंगे हम। चलो ट्रैक्टर तो निकल चुका है जैसे कि आप देख सकते हो, तो अभी चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं खेत के लिए। हाँ तो चलते हैं। भाऊ हमारे यहाँ ना ठंडी बहुत पड़ रही है, इसलिए मैंने ये सब लगा लिया, मास्क वगैरह, है ना, तो ठंडी से बचने के लिए यार। नहीं तो मैं जुकाम वगैरह हो जाता, वैसे मेरे को ठंड बहुत कम लगती है, फिर भी मैं लगा लेता हूँ कि भाई रिस्क नहीं लेने का, जुकाम वगैरह हो गया। देखिए भाई आगे आगे मैं, पीछे मेरा ट्रैक्टर दे सकते हो, तो चलो चलते हैं। गाइस दे सकते हो खेत पे, और ये भाई साहब जो लाल कपड़ों में जा रहे हैं, लाल कपड़े वाले भाई साहब है ना, इनकी खेत में चलेगा ट्रैक्टर, और वो जा रहा है ट्रैक्टर अभी उधर चलेगा शायद कहीं। तो चलो हम भी इंजॉय करते हैं, इधर ही बैठे हैं कहीं ठंडी सी हवा लेंगे बढ़िया मज़े से, अपना कोई काम भी नहीं है वैसे भी, चलो वैसे घूमने आ गया, तो चलो वहाँ बैठते हैं। भाई पापा कोई काम हो बता दें, तैयार जाना पड़ेगा, कोई लाना पड़ेगा, क्यों बाइक अपने पास नहीं है। तो चलो वो देखिए कैसे कैसे ट्रैक्टर भगाते लेके जा रहे हैं पापा, ट्रैक्टर क्या भगाते, रेत ले जा रहे हैं, रेत ही ले जा रहे हैं, मतलब मज़े से। ये देखिए क्या जला रखा, सफाई की हुई है इस टाइप से, इसको बोलते हैं सफाई करना। हाँ मैं तो इधर आ गया है ना, वो बढ़िया आराम से ट्रैक्टर चलेगा, और मैं इधर आराम से सोऊंगा बढ़िया इस एरिया में, है ना। वो देखिए ट्रैक्टर चल रहा है, मैं ट्रैक्टर चल रहा हूँ, जिधर मैं नींद लूँगा बढ़िया, पेड़ के नीचे तो नींद भी बहुत शानदार आती है। चलो उधर देखिए बूढ़े लोग बैठे हुए हैं, किस कदर देख सकते हो दोनों, और इधर ये कुआँ खोद रहे हैं। हाँ गाइस कुआँ भी खोद रहा है इधर, एंड गाइस अभी फाइनली इधर का काम तो हो चुका है, ऑलमोस्ट इधर का भी होने वाला है, देख सकते हो, एंड देख सकते हो सूरज भी पूरा डूब गया, मतलब एंड चंद्रमा आ चुका है, चंद्रमा दिखाऊं। तो गाइस आज तो बहुत एंजॉय किया, आज हमने रोटी खाई यहाँ बैठ के, हाँ, और थाली प्लेट वगैरह कुछ भी नहीं लाए थे हम, हमने खाई हाथ पर रख के, उसके ऊपर सब्जी डाल के, फुल देसी तरीके से खूब चिल किया। पर क्या हुआ कि मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था, नहीं डिस्चार्ज नहीं, ऑटोमेटिकली ये स्विच ऑफ हो गया था, खुल नहीं रहा था, क्योंकि ये फ़ोन ना बहुत पुराना हुआ है, 1 साल पुराना हुआ है। हाँ ना, तो गिर वगैरह भी बहुत बार गया, पानी में भी गिर गया, वैसे भी गिर गया, अभी एक बार तो 2 मंजिल से गिरा था, डिस्प्ले टूट गई थी, तो वो तो डलवा ली थी मैंने कॉम्बो 10-20 हज़ार की, 10-12 हज़ार की जो डली, 20 हज़ार नहीं 10-12 हज़ार की, है ना। तो अब इसको चेंज करने का टाइम है, इस फ़ोन को तो करेंगे जल्दी। देखिए मेरा बाप, तो चलो यहाँ से फ्री होके चलते हैं जस्ट घर पे। वॉच माय हेयर्स, एंड पापा के तो गाइस दाढ़ी में ना वो भर गई, क्या कहते हैं, धूल, एंड पापा के कपड़ों में धूल भर गई, और मेरी भी भरी पर कम, तो पापा की मैं तो बहुत ज़्यादा भर गई दाढ़ी में धूल। वॉच
गाइस किसान ऐसे कमाते हैं पैसे, हाँ बहुत मेहनत से दे सकते हो। और गर्मियों में तो अभी तो चलो यहाँ पर ठंडा है मौसम, गर्मियों में तो भेड़ बच जाती है गाइस, बहुत बहुत गर्मी होती है सर हमारे एरिया में। किसान होना कोई सौखी काम नहीं, कौन ही है किसान होना कोई सिंपल काम नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है यो। हाँ मेरे पापा में कभी कभी मेरे को बहुत वो आता है, मतलब देखता हूँ तो कि भाई पापा मतलब इतना काम करते कहते हैं, लाइक मैंने अपने पापा को यहाँ तक देख रखा है कि बॉल बॉल वाली बेल वो होती है ना पीछे जिससे, हाँ पापा ने हल से अकाई की है खुद के ऊपर रख के पहले, हाँ मैंने देखा है उन्हें कि 2-3 महीने पहले की बात है ऐसी अकाई कर रहे थे वो खेत में, पता नहीं क्यों कर रहे थे अब इतना तो नहीं क्योंकि ट्रैक्टर भी थे सब पापा अकाई कर रहे थे पीठ पे रख के, क्योंकि ना उस टाइम पता नहीं जमीन मतलब थोड़ी सी जगह के लिए क्या ट्रैक्टर को लाना, पापा खुद के ऊपर रख के हल को चलाने लग गए, हाँ ऐसा कर रहे थे मैंने देखा था। अब मालूम नहीं मैं पापा से पूछ के बताऊँगा कल ये वो कर क्यों रहे थे, खुद से अकाई कर रहे थे वो जमीन की, हाँ खुद के ऊपर टांग के हल बॉलों की तरह लगे पड़े थे। हाँ कि नतीजा ये निकल के आता है कि बाप बहुत मेहनत करता है अपने बच्चे की ज़िंदगी बनाने के लिए, बच्चे को उसका गलत साइड नहीं लेके जाना चाहिए, उसको उल्टा माँ बाप के लिए कुछ करके दिखाना चाहिए, तरक्की करनी चाहिए ना, कभी गलत कदम मत उठाना यार। मैं तो वैसे ही देखता यही चाहता हूँ कि भाई मैं कोई ऐसा काम ना करूँ जिससे बाप को नीचे देखना पड़े, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, बुरा मैं करता ही नहीं। जब मैं गलतियाँ करता था पहले, जो गलतियाँ करता था उन्हें मैंने सुधारने की बहुत कोशिश की थी, वो फाइनली सुधर भी गई है, कुछ लक्षण थे आदत थी दोस्तों का फालतू घूमने की एंड ETC फिर घूमते हैं पर लिमिट से, एंड बहुत सारे मेरी प्राइवेट बातें जो मेरे फैमिली वालों को पता थी मेरी, और पब्लिक को बहुत कम पता, आपको पता ही नहीं होगी ना कभी पता चलेंगी, क्योंकि फिर घर वालों ने बहुत समझाया मना किया मैंने सब कुछ, अब मैं बिल्कुल सेट हूँ। हाँ काम बेटा ऐसा करे कि बाप अपनी गर्दन ऊपर करके चल सके, और जो 4 लोग भोंगने वाले होते हैं उनके मुंह में दे सके, ऐसे बेटे बनो गर्दन आ चुके थे। एंड इस व्लॉग को एंड करते हैं, एंड आप सुने कल को न्यू व्लॉग के साथ, मैं जा रहा हूँ, बाय।